हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम, जो कि आपका आज की डेट में हुआ है 20 अगस्त 2023, और उसका हम फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के प्रश्न, जो कि इससे पहले हम लोगों ने हिंदी और CDP को सॉल्व कर लिया है। उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ से भी आप अपने चेक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा चैनल है पूरी तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें आप अगर UP RO UP PCS या BR PCS MP PCS या UPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने बैकअप प्लान के तौर पे BEd और BTC कर रखा था, तो उनका ये CTET का एग्जाम था, तो उन्होंने कहा कि सर आप इसकी आंसर की डाल दीजिएगा, तो मैं वो आंसर की डाल रहा हूं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये आंसर की पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, क्योंकि मैंने खुद 3 से 4 बार CTET क्वालिफाई कर रखा है और मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, तो मुझे इसकी पूरी प्रॉपर जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है कि CTET के इस पुराने ऑफलाइन पैटर्न के द्वारा क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है और 2 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो बताइए उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत है। सिंपल सी बात है, इन सभी को जोड़ दोगे तो केवल 50 पैसे की कमी रहेगी, तो चौथा ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चीज़ देख लीजिएगा, ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 0.50। कुछ लोग गलती कर गए होंगे, 5 50 पैसे का मतलब ही होता है दोस्तों कि 5 की अगर हम 50 पैसे से गुणा करेंगे तो ये खुद 1.5 रुपये बन जाएगा आपका, तो 2.5 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, तो ये होगा 9.5 रुपया, इसीलिए 0.50 की जरूरत थी। अगला प्रश्न है, रूबीना ने कार 16:50 यानी कि लगभग 4:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और 21:15 पर पहुंच गई, तो सिंपल सी बात है 9:15 में से आप 4:20 का समय घटा देंगे तो 4:25 का समय आ जाएगा, यानी कि 4.25 घंटे, लगभग 4 घंटे 25 मिनट उसे लगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दिया जाए तो इसका नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा अगर हम डबल करते हैं तो सिंपल सी बात है उसके क्षेत्रफल में जो है कि वृद्धि होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, तो यहाँ पे सबसे छोटी 1/4 का मतलब हो गया लगभग 25% और 1/3 का मतलब हो गया लगभग 33% और 1/2 का मतलब हो गया 50%, तो 3 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका तीसरा आंसर। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम यानी कि लगभग 4800 ग्राम जो है कि बादाम है, 2500 ग्राम किशमिश है और लगभग 3.5 किलोग्राम काजू मिला दिया, इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट, 3 दर्जन पैकेट का मतलब हो गया 36 पैकेट, क्योंकि एक पैकेट जो है कि आपका एक दर्जन में 12 पैकेट आते हैं, 30 दर्जन के 36 हो जाएंगे, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, तो जब आप इस पूरे आइटम को आप ऐड करेंगे और इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा इसका सही उत्तर, 35 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम पदों का योगफल। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 है और अगर मैं अगला एक और पद मान लूँ प्लस में 5 7, तभी तो ये विषम होगी, तो इस 5 के 5 0, इस 5 से 5 0 और इस 5 से 5 0 हो जाएगा, तो केवल 5 बचेगा, तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी व्यवस्था संख्याओं की अवरोही क्रम को जो है कि दर्शाती है, तो इसका 37 का 3 हो जाएगा, 10.5 1.50 1.055 1.05 1.005 और 0.155, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, 100 लाख यानी यहाँ पे इसको सिंपल सी बात है 100 लाख की बात कर रहा है और 100 लाख मतलब 1 करोड़ होता है, तो दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही पूर्ण संख्या घटा दी, मतलब फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्याओं का योगफल होगा वो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 39 का C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, तो 9 जो है कि इसका गुणनखंड नहीं है, बाकी तीनों इसके गुणनखंड है। अगला प्रश्न है 41, कौन सा कथन सत्य नहीं है, भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 41 का सही उत्तर हो जाएगा बी मतलब 3, कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती, यही जो है कि इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न 42, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, तो भाई दिए गए पैटर्न में जो यहाँ पर लुप्त संख्या आएगी वो आएगी 28। अगला प्रश्न 43, यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा, तो 12 और 3 का जब आप अनुपात निकालेंगे, 12 अनुपात 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 4 अनुपात 1 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है, किसमें सभी 3D आकृतियां जो है घन, घनाभ, गोला, बेलन, तो 1 इज करेक्ट आंसर, 45 क्वेश्चन नंबर है।
अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो टोटल 5 आयत बना सकती है वो। अगला प्रश्न 46, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका 46 का एक हो जाएगा, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। हालांकि ये आकलन के बारे में सही नहीं होता है, ये एक नकारात्मक भावना को पैदा करता है कि वो कोई भी व्यक्ति जो है कि किसी कहते ना कि हमारे को उतना दुख नहीं हुआ कि हम फेल हो गए, हमें दुख तब हुआ ज़्यादा कि जब हमारा दोस्त पास हो गया। तो ये इस तरीके की भावना को डेवलप करता है, इसलिए ये वाली बातें गलत हैं। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप छोटा बड़ा, ये सब जो अवधारणा है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणा है, क्योंकि इसमें कोई नंबरिंग नहीं की जा रही कि 8 बड़ा है या 9 बड़ा है या 10 बड़ा है, इसमें बस एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर होता है जो कि नंबर से पहले ही अवधारणा सीखी जाती है। गणितीय अधिगम सामग्री क्या होती है? तो जो गणितीय अधिगम सामग्री है दोस्तों, उसमें स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, यानी बी और डी सही है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 49 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन ही सही होगा कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चों को आप उनकी गलतियों के बारे में बताएंगे तो वो आगे चल के जो है कि क्या करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे और दोबारा गलती करने से बचेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50 को अगर हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, NCF की बात की जा रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या लड़कों में गणित की क्षमता जन्मजात होती है? ऐसी कोई बात नहीं, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रचलित भय के कारण होता है, ऐसा नहीं है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय, यह भी गलत है। केवल दूसरा कि समाज के लिंग संबंधी धारणाएं जो हैं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान को ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ये एक सोशल जो है कि बैकग्राउंड की तरफ से फिनोमेना तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उपयोग कर रही है, तो विचारों का बहिर्वेशन करने के लिए यानी कि प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ को, जैसे मूवीज वगैरह में जो रोल प्ले किए जाते हैं उनके भी यही थॉट होता है। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो पहला ही स्टेटमेंट से है कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति जो होती है यही हमेशा जो है कि भय को बढ़ाती है। अगला एक फैक्चुअल प्रश्न है कि किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? तो ये आर्यभट्ट हो जाएंगे, जो खगोल शास्त्र के साथ साथ गणित के क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया। अगला प्रश्न है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये किलोग्राम बेच रहा है, सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये, 6, 6, 6 और 3 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में आप क्या कहेंगे? तो वो गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। और कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल हल कर सकते हैं इस तरीके के मेथड को यूज करके। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो कैसे हो रहा होता है? तो दूसरा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री दी जाती है, जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ देना, और वे इनका प्रयोग करके गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। हालांकि जो निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जो मैथ की किट होती है वो दे देते हैं, जिसमें कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, वो लोग त्रिभुज बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, बहुत सारे आयताकार श्रेणियाँ, गुणक पैटर्न, ये सभी चीज़ें हम लोग देते हैं, तो वो इनसे नए नए कौशलों का विकास कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त माने जाते हैं? तो सबसे जो उपयुक्त माने जाते हैं वो हो जाएगा आपका 56 का थ्री ऑप्शन, कि बच्चों को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होता है, और यह हमेशा अभिसारी होता है। तो ऐसी बात नहीं, हमेशा ये ऑलवेज वाले शब्द आप काट देंगे तो ABC यानी कि तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है और इनमें से वह उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब कि जो एनुअली एग्जाम में अगर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, अगर उसकी केवल प्रशंसा कर रही है तो ये उसके उद्देश्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। आपको सभी बच्चों को फोकस करना होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं को क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता करना, जो तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? तो वो हो जाएगा विभिन्न प्रकार के डिस्क का उपयोग करके, मतलब गैजेट्स के उपयोग करके। और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी कि सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि 4 है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर बाकी ऑप्शन भी तो बता रहा है, तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है, यह बात भी सही है। 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है, या विद्यार्थी की संख्या जो है 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने पे करता है। ये तीनों ही सही है और चौथा भी, लेकिन समानता के नियम के आधार पे हम इन तीनों को ही उत्तर नहीं मान सकते, किसी एक को मानना चाहिए। तो ये समानता के नियम के आधार पे इसे अलग किया जा सकता है कि यहाँ पे किसी वस्तु का प्रयोग करके वो चेक कर रहा होता है। तो दोस्तों ये तो था आपका मैथ का, और हमने CDP और साथ ही साथ एनवायरमेंट स्टडीज़ की भी जो है कि क्लासेस को सॉल्व कर दिया पेपर को। तो आप लोग प्लीज़ चेक कर सकते हैं और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने आपके उत्तर सही हैं। मिलते हैं अभी दूसरे जो है कि सब्जेक्ट के साथ, आपका हिंदी और इंग्लिश को लेकर।